ठीक है, तो एरिया वेक्टर भाई आ गया समझ में, डाउट भी क्लियर हो गया। अब अगली चीज लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखो इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द गिवन एरिया और इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, देखो होता क्या है, ये देखो फ्लक्स को मैं फाई से दिखाता हूँ और ये होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कब? जब तुम्हारा है ना, चलो ठीक है ये लिखो है ना, और जब पता है स्फीयर जैसा एरिया दिया होगा तो तुम उसको इस तरह से लिखोगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, छोटे से एरिया पे जब निकालना है, और जब रेक्टेंगल जैसा कोई बड़ा सा एरिया है तो वहाँ पे सीधा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे। और ये भी तभी कर सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पूरे एरिया पे कॉन्स्टेंट। ये वाला जनरल है, ये हर जगह लगेगा। ये कब लगेगा? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, मतलब डायरेक्शन के साथ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एरिया, जिस एरिया पे निकाल रहे हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एरिया तब इसको लगाओगे, नहीं तो क्या इसको लगाओगे? इस वाले को लगाओ, ये जनरल है, ये हर जगह ट्रू रहेगा। तब सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका फिजिकल मीनिंग भी समझाऊंगा, है ना, अभी देखते जाओ आराम से पढ़ो। ये वेक्टर है या स्केलर है? स्केलर है ना भाई, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो लिखो, और एरो नहीं लगाया ना ऊपर, तो भाई कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर वो दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यूनिट बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बोल दो तुम तो पहले भाई, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं ना, मतलब है तो सेम ही, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये सबसे पॉपुलर है, ये याद होने चाहिए। इसका क्या हो जाएगा बताओ? वोल्ट पर मीटर, या फिर क्या लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक निकालो। ठीक है, तो कैसे निकाले भाई? वोल्ट का यूनिट तो मुझे भी याद नहीं रहता ना, बाकी वोल्ट अपन को ये पता है जूल पर कूलम होता है ना, यू इक्वल टू क्यू वी, तो वोल्ट अपना जूल पर कूलम होता है, तो अपना क्या बन जाएगा? जूल पर कूलम इंटू मीटर, यही हो गया। अब जूल का क्या होता है जल्दी बताओ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर और कूलम क्या होता है? एम्पियर सेकंड, तो तुम्हारा पूरा बन गया किलोग्राम मीटर क्यूब बाय सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर, तो क्या आ गया तुम्हारा एम एल थ्री टी माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया हमने, चलो ठीक है ना। अब देखते हैं, पहले तो ये फ्लक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना, मिटा दो ये सब, ये वाला पार्ट, तो इसको पानी की तरह से समझते ना, पानी के एग्जांपल्स है। अब बरसात हो रही है ना, आजकल तो हो ही रही है, तो पानी गिर रहा है मान लो, तो है ये, तो पानी कितना गिर रहा है? 1 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी है ना, टंकी रखी हुई है, ठीक है, इस पूरे में गिर रहा है पानी, और इसका एरिया है ए, ये जो भी है ये सरफेस एरिया कितना है? ए तुम्हारा, तो अब इसमें कितना पानी गिरेगा हमको ये निकालना है ना, तो बताओ एक सेकंड में कितना पानी गिरेगा इसमें? एरिया इनटू दिस, इस क्वांटिटी को अपन क्या नाम दे दे बताओ? इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट टाइम कितना पानी गिर रहा है वो मुझे पता चल जाएगा, है ना। ये तुम्हारा क्या दे रहा है? वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये तुमको ये दे रहा है ना। इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि पर सेकंड कितना वॉल्यूम पानी गिर रहा है, कितने लीटर पानी पर सेकंड गिर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पर सेकंड कितना पानी गिर रहा है बताओ इस वाले केस में? तो पर सेकंड अपना कितना पानी गिर रहा है? ए इंटू ये क्वांटिटी, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? कुछ के बोल देते ना, इसको अपन कुछ के बोल देते हैं,
के बोलते हैं, ठीक है। तो अपना पर यूनिट टाइम कितना गिर रहा है, एक ही बोल सकता हूँ क्या, बताओ इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये पानी अगर नॉर्मली गिरने की जगह, अब ये तो होता ही है नॉर्मली तो बहुत कम ही गिरता है, हवा भी चल रही है साथ में, तो जो पानी अपना गिर रहा है वो किसी एंगल वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे गिर रहा है हमारा पानी, तो अब बताओ एक सेकंड में कितना पानी जाएगा इसके अंदर, क्वेश्चन ये, एक सेकंड में अब कितना पानी जाएगा, अभी इससे पहले तो एक सेकंड में कितना जा रहा था, एक ए, अब कितना जाएगा, ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, एक ए वाई कॉस थीटा, एक ए कॉस थीटा, कैसे एक्सप्लेन करो, एक ए वाई कॉस थीटा, एक्सप्लेनेशन तो कि ऐसे मतलब मन में कुछ भी बोल दो यार, कि कॉस स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, कॉस क्यूब थीटा भी आ सकता है, साइन थीटा भी आ सकता है, क्या आएगा रीजन के साथ बताओ, तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना, जो टैंक रखा है उसमें कितना पानी गिरेगा एक सेकंड में, मतलब टैंक में गिरना है पानी जो सबसे कॉर्नर पे भी गिर रहा होगा उसकी एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर टैंक में तो आएगी, और जो टैंक के पैरेलल होगा वो नहीं गिरेगा, पूछ रहा हूँ मैं, नहीं गिरेगा, तुम बोल रहे हो ना वेलोसिटी के जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है पानी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तुम बोल रहे हो दो कंपोनेंट ले लो, एक परपेंडिकुलर ले लो एक पैरेलल ले लो, यही बोल रहे हो ना तुम, ऐसे कह रहे हो ना, तो उसे परपेंडिकुलर वाला कंसीडर करेंगे ये बोल रहे हो, तो ये समझ में आ रहा है, तो वैसे ये सही एक्सप्लेनेशन है, ये इस तरह से सोच सकते हो पानी दो पार्ट में गिर रहा है क्योंकि वेलोसिटी है ना अल्टीमेटली, अरे जो स्पीड है जो वेलोसिटी है वही तो पता है उसको टंकी के अंदर रखे कि अगर उसको रोक दें वेलोसिटी जीरो कर दे तो कुछ भी नहीं करेगा, तो अगर पानी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, इसको दो पार्ट में सोचो, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, और परपेंडिकुलर वाले के लिए तो अपन को आंसर पता ही है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है तुम्हारा, ए इंटू बी परपेंडिकुलर के हिसाब से निकालेंगे, तो के परपेंडिकुलर, और के परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम जो भी वो रख दोगे ना इसका परपेंडिकुलर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए के कॉस थीटा, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, के वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अब इसको तुम वेक्टर बना लो, तुमने देखा कि कोई कॉस थीटा वाला एक्सप्रेशन आ रहा है तो तुम उसको वेक्टर क्रिएट कर दो, के वेक्टर बोल दिया एक वेक्टर है जैसे जो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है, हम ही तो बनाते हैं यार वेक्टर, मैंने देखा कॉस थीटा वाला टर्म आ रहा है, जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, तो ए वेक्टर डॉट के वेक्टर बोल दिया मैंने, अब इसको ये समझ में आया सबको, ठीक है। एक तरीका और है भाई, एरिया कैसे भी देख लेते हैं, ठीक है भाई, नहीं मानते हम वेलोसिटी, वही वेलोसिटी वगैरह नहीं आती हमको समझ में, छोड़ दो अब इसको, दूसरा तरीका इसको समझने का देख लेते हैं, पानी इस तरह से गिर रहा है ना, ठीक है, तो अब एक तरह से देखो ना, अच्छा 2D में समझो ना, तुम समझ जाओ ये एरिया ए है ना, मैं 3D में डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, ये मान लो ये ए एरिया है ना, ये कितना एरिया है ए, अब ये लाइन नहीं ऐसे सोचना, ठीक है, इस तरह से ए एरिया है, अब देखो असलियत में पानी हमें पता है, इसका एक कंपोनेंट लो तुम ऐसे, इधर से एक लाइन बनाओ, कैसी लाइन बनानी है, जो इस पानी के परपेंडिकुलर है, जो पानी गिर रहा था उसके परपेंडिकुलर है, समझ में आया क्या, ये जैसे पानी ऐसे गिर रहा है ना, ठीक है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है वो वाटर के परपेंडिकुलर, वाटर जिस डायरेक्शन में गिर रहा है, तो सोचो अगर मैं टंकी को ऐसे रख दूं, अगर इसको ये सोचो ऐसे होता है ना, होल ऐसा होता तो पूरा जितना पानी आ रहा था वो पूरा गिरता, मतलब ये जो भी एरिया है उस एरिया में पूरा का पूरा पानी गिरेगा, क्योंकि अब मैंने ये एरिया क्या माना है, परपेंडिकुलर, और एक्चुअली सोचो जो इस एरिया से जितना भी वाटर इस एरिया से पास कर रहा है वही तो अल्टीमेटली इसके अंदर गिरेगा जाके, जो इधर के बाहर से निकल रहा है वो तो टंकी के बाहर गया, देखो इधर वाला जो इस एरिया से पास करेगा वही निकलेगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर, हाँ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एरिया ए है तो ये कितना होगा, ये वाला एरिया तुम्हारा ए कॉस थीटा, तो तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, तो कितना पानी गिर रहा है टोटल वॉल्यूम बाई टाइम, इस बार तुमने क्या करा ए कॉस थीटा इंटू के कर दिया, तो दोनों तरीके से सोच सकते हो, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल के सोचना है वैसे सोचो, इस तरह से सोचना है तो ऐसे सोचो, ये बताओ ये पानी वाला अगर तरीका समझ में आ रहा है, मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छा ठीक है, ये वाला आ गया अभी समझ में, ये दिख रहा है जो भाई जितना भी पानी इससे पास करेगा इस एरिया में से वही इसके अंदर गिरने वाला है, बाहर वाला तो सीधा बाहर चला जाएगा, आया क्या समझ में, क्लियर है, ठीक है, अब वेलोसिटी वाला समझ में नहीं आया ये बोल रहे हो, ठीक है उसको फिर से समझा देते हैं, पानी ऐसे गिर रहा था ना, हमने इससे पहले देखा था ना जब पानी नॉर्मली गिर रहा था तो पूरा का पूरा हम सीधा कर रहे थे वॉल्यूम इनटू के,
अब सोचो अगर पानी इस तरह से गिरने लगे, मान लो इस तरह से रहा, कोई ग्रेविटी नहीं है, इस तरह से जा रहा है, तो टैंक में कितना पानी जाएगा? जीरो, कुछ भी नहीं जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाला जो है वो पूरा जाता है, पैरेलल वाला कुछ भी नहीं जाता। तो इसको दो पार्ट में कर लिया ना अपन ने, पानी को वी इस डायरेक्शन में था, एक वी पैरेलल ले लिया, एक वी परपेंडिकुलर ले लिया। तो परपेंडिकुलर वाला सारा चला जाएगा, पैरेलल वाला कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोनों ही तरीके सेम ही है, दोनों से समझ सकते हो तुम। हाँ, मैंने इसलिए करा, अब मैंने एरिया को, क्योंकि जरूरत वैसी पड़ी ना, क्योंकि मुझे दिख रहा था टर्म कैसा आ रहा था, ए कॉस थीटा, तो मैंने कहा मैं एक एरिया को वेक्टर नहीं माना, मैंने एक नया वेक्टर माना जिसका मैग्नीट्यूड एरिया है और डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है। तो जरूरत के हिसाब से नई फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर दी मैंने, एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया इज नॉट ए वेक्टर, मैंने एक नया वेक्टर बनाया है क्योंकि इसकी ज़रूरत लग रही थी मुझे, और ये ज़रूरत बहुत जगह होती है। क्लियर है क्या? फिर अपन आगे बढ़े क्या? ये एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो हो गया काम। फ्लक्स होता है अपना ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अपन ने इसलिए बताया इसको इस तरह से डिफाइन करा है क्योंकि मुझे कोई भी एरिया दिया है, मान लो ये मान लो एरिया है ना, मुझे पता करना है इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी एनर्जी पास कर रही है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। और हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, आड़े टेढ़े कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तुम क्या करोगे, ई वेक्टर डॉट, अब इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन है तो वाला यूज़ करोगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है ना, उसको इंटीग्रेट कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डॉट प्रोडक्ट तुमको क्या आइडिया देता है, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी पास कर रही है। अभी समझ में आया क्या फिजिकल मीनिंग? जैसे वहाँ पे पता चल रहा था पानी कितना पास कर रहा है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उस एरिया में से पास करेगी। अभी हम जाके जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी होती है ना, सारी चीज़ें ऑब्वियसली बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं होता, चाहे मैटर हो चाहे वेव हो, हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। ठीक, बढ़े आगे, फिर हम चलो क्वेश्चन करते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट इंटू आई कैप है ना, ई नॉट इंटू आई कैप, और यहाँ पे मैंने एक क्यूब रख दिया, क्यूब ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सिक्स फेसेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सिक्स फेसेस। मैं नाम दे देता हूँ फेसेस को, इसको फेस वन बोल देते हैं, इधर पे टू, इधर पे थ्री, नीचे फोर, ये फाइव और ये सिक्स। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो चलो ऐसे लिख देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब बताओ, चलो फ्लक्स बताओ भाई, छः के छः फेसेस से कितना होगा? फेस ए बी सी डी बी सी एफ ई ई एफ जी एच एच जी डी ए ए डी ए बी ई एच सी एफ जी डी। बताओ ये छः फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, इन छः पे मैंने एरिया वेक्टर तो मैंने निकालना सिखा दिया था, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो, है ना। बता रहे हो जवाब, बता रहे हो, बताओ भाई, ए बी सी डी से बताओ। ई वाला फेस देखो, इसका एरिया वेक्टर सीधा ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पे देखो ई वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है ना, ए बी सी डी के लिए पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो कितना हो गया वन। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखोगे यहाँ पे, ई ए, तो सीधा कितना आ गया E इंटू, और एरिया कितना है ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो बताओ भाई, उसके बाद ये वाला कौन सा है, बी सी, ये वाला बी सी एफ ई, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर देखो किस डायरेक्शन में होगा, के कैप में। के कैप डॉट आई कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर है, जीरो, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, और देखो हो भी नहीं रहा ना, वो पैरेलल निकल जा रहा है, उसमें से कहाँ पास कर रहे हो, उस वाले सरफेस में से। समझ में आ रहा है तुमको, ये मतलब दिख रहा है ना, मतलब डॉट करने की जरूरत भी नहीं होती, फॉर्मूला पता होने की जरूरत भी नहीं होती, तुम देख के बता देते उसमें से पास कर रहा है या नहीं कर रहा, दिख रहा है सबको। ठीक है, फिर ये वाला ई एफ जी एच, ये तो देखो इसके परपेंडिकुलर ही है,
इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ जाएगा ये वाला एरिया वेक्टर, माइनस आई कैप। तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, माइनस ई ए स्क्वायर, क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर अपोजिट हो गए, तो 180 डिग्री का एंगल है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है माइनस वन। कल आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लेना है ना, मैं अभी समझा दूंगा, कुछ भी करके समझा ही दूंगा, अभी तो बाद में बाहर आके मत पूछना कोई। आ रहे समझ में? ठीक है, एच जी डी ए, एच जी डी ए अगेन जीरो। अरे इंडीड, इन चारों सरफेस के, ये जो चारों सरफेस हैं इसके तो पैरेलल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे सरफेस के पैरेलल है, मतलब सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर जो उस पर है उसके परपेंडिकुलर है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इन दोनों से पास करेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, सिर्फ एक तो इस सरफेस से पास करेगी, दूसरी इस सरफेस से, तो एक में नेगेटिव है मतलब एंटर कर रही है, इसलिए हमने एरिया वेक्टर क्रॉस सरफेस के लिए ऐसे डिफाइन करा था, हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, कन्वेंशन जो लिया था। फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है मतलब एंटर कर रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब देखो यहाँ से एंटर करा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बाहर करा, तो इसका मतलब क्या है, एग्जिट। फ्लक्स उधर क्लोज्ड सरफेस से क्या कर गया, जो क्यूब का क्लोज्ड सरफेस है फ्लक्स उससे एग्जिट करा, और यहाँ पे क्या करा था एंटर। अब हमें मीनिंग भी पता चल गया, नेगेटिव मतलब एंटर कर रहा है, पॉजिटिव मतलब एग्जिट कर रहा है। नेट फ्लक्स बताओ कितना है, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना है, जीरो है ना, क्योंकि इन सबको अपन ऐड कर देंगे, फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस एल्जेब्रिकल एडिशन कर दो इन सबका, क्या आएगा इन सबको ऐड करने पे, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब जीरो हो जाएगा तुम्हारा, इन सबको अपन ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। तो दोनों तरफ के एरिया पे अलग अलग फ्लक्स है, शीट ली ना, शीट की कोई विड्थ नहीं होती ना, सरफेस मान रहे हो क्या तुम? हाँ, जैसे एक हमने इसका फेस लिया, इसका एक फेस ले लो, हाँ तो एक ही फ्लक्स आएगा, दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा ना, हाँ एक सरफेस बोलो, शीट मत बोलो, शीट कुछ नहीं होता, तो उसका शीट जैसा कुछ नहीं होता है ना, सरफेस बोलो, सरफेस टू डायमेंशनल, शीट इज नॉट टू डायमेंशनल, शीट इज थ्री डायमेंशनल, शीट की कुछ विड्थ हो जाएगी, ठीक है, फिर विड्थ हो जाएगी तो फिर तुम उसके दोनों सरफेस आ जाएंगे, तुम दोनों सरफेस से निकालोगे, अब डिपेंड करते हो उसकी विड्थ कितनी है, ये क्लियर है क्या? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? अब इसको हल्का सा डिफील्ड कर देते इस क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, सेम क्वेश्चन है सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट इंटू एक्स आई कैप, कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इंटू एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू एक्स आई कैप, और तुम्हारा क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है टू ए कॉमा जीरो, बताओ, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब मुझे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, अब हमें डायरेक्ट दिखता है ना, देखो इन चार सरफेस से तो कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अभी यही है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक तो तुम्हें इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे मान लेते हैं E1 है और इस पॉइंट पे मान लेते हैं E2 है, E1 कितना है तुम्हारा E0 into A, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे E0 A है ना, X कहता है तुम्हारा A, तो E0 into A है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा E0 into 2A, ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ इन दोनों सरफेस से आने वाला है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, जो सरफेस सरफेस परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर पैरेलल है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इससे कितना आ रहा है बताओ फ्लक्स, यहाँ पे कितना आएगा फाइव वन, कितना आ जाएगा बताओ, है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर अपोजिट आएगा ना, एंटर कर रहा है ना, अब तुम पता ऐसे भी सोच सकते हो, एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, एग्जिट कर रहा है तो पॉजिटिव, भाई मैं सारे तरीके से सिखा रहा हूँ तुम्हें, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई नॉट इंटू ए, ये तो क्या हो गया फील्ड हो गई, और अब बताए मैग्नीट्यूड कितना है इसका, एरिया ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस ई नॉट ए क्यू। अच्छा इसको देख के बता सकते हो ई नॉट का यूनिट क्या होगा, ई नॉट जो कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर है ना, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं है इस समय ना, इलेक्ट्रिक समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स मान लो फाइव टू पास हो रहा है इस सरफेस से, फाइव टू कितना आएगा पॉजिटिव क्योंकि एग्जिट कर रहा है, तो कितना आ जाएगा ई नॉट इंटू टू ए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ए स्क्वायर, तो कितना आ गया फ्लक्स टू ई नॉट
ए क्यूब। अब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ भाई क्यूब से, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव सिक्स। ये फाइव थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स इससे इन सरफेस से, ये सारे तो क्या है तुम्हारे जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस के पैरेलल है, इनसे पास नहीं कर रही है, इनके पैरेलल ही निकल जा रही है। तो फाइव नेट तुम्हारा आ गया माइनस ई नॉट ए क्यू प्लस टू ई नॉट, तो कितना है नेट फ्लक्स ई नॉट इंटू ए क्यू। तो नेट फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, तो नेट फ्लक्स एग्जिट कर रहा है इसका क्या मतलब है, अभी अपन आगे जाके गॉस लॉ पढ़ेंगे, हमें उससे पता चल जाएगा। जब नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है मतलब इस क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव चार्ज रखा है, अभी आगे जाके पता चलेगा ना, अभी गॉस लॉ पढ़ेंगे ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं, बस स्टार्ट होने वाला है। नेगेटिव क्यों लिया है, माइनस क्यों लिया, अच्छा क्यूब देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये मान लो ये क्यूब है, ये वैसे क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इस डस्टर के अंदर एंटर कर रही है ना, जब भी फील्ड एंटर करेगी तो फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव, और जब एग्जिट करेगी बाहर निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और समझ ऐसे लो, ये एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में आएगा बताओ, आउटवर्ड होता है ना उस वॉल्यूम के आउटवर्ड। तो देखो ए वेक्टर और ई वेक्टर एंटी पैरेलल है ना, यहाँ पे अगर मैं करूँ ई वन वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा ई वन इंटू ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है नेगेटिव, ई वन कितना है तुम्हारा ई नॉट इंटू ए, और ए कितना है तुम्हारा ए स्क्वायर, तो माइनस ई नॉट ए क्यूब आ गया, समझे क्या। तुम लिख लो इसको, पॉइंट को भी लिख लो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, व्हेन फ्लक्स एंटर्स द सरफेस, व्हेन फ्लक्स एंटर्स द क्लोज्ड वॉल्यूम, व्हेन फ्लक्स एंटर्स द क्लोज्ड वॉल्यूम इट इज टेकन नेगेटिव, इट इज टेकन नेगेटिव, एंड व्हेन इट एग्जिट्स द क्लोज्ड वॉल्यूम इट इज टेकन पॉजिटिव। चलो अगला क्वेश्चन को, एक डिस्क है रेडियस है ए, डिस्क ऑफ रेडियस ए, यहाँ पर तुम्हारा चार्ज रखा है प्लस क्यू, एट ए डिस्टेंस एक्स या आर ले लो, एक्स ले लो, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। अब क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि अब इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग होगा, अब तो इंटीग्रेशन लगा नहीं है, अब तो कोई नहीं बचा सकता। एलिमेंट क्या मानोगे इंटीग्रेशन का, क्या मानोगे एलिमेंट, रिंग है ना, करो सॉल्व। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या करो भाई, आर रेडियस की एक रिंग मान ली, उसकी विड्थ कितनी है डी आर, विड्थ है उसकी, सबसे पहले इससे निकालते हैं फ्लक्स कितना होगा ना, डी आर इसकी विड्थ है, तो इससे फ्लक्स निकालेंगे हम है ना, इससे जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा अपना डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब ये डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी ए वेक्टर तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो भी है इसके परपेंडिकुलर है ना, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इधर मान लो फर्क नहीं पड़ता ओपन सरफेस है, ठीक है। डी ए वैक्टर क्या है यहाँ पे तुम्हारा, डी ए जो होगा वो होगा तुम्हारा टू पाई आर डी आर, ये तुम्हारा डी ए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो कैसे आएगी, इधर आएगी ऐसे ई वैक्टर, अगर इसे एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा, और ये थ्रू आउट इस तरह से ही आ रही होगी, पूरी थ्रू आउट रिंग पे ऐसे ही आ रही होगी कॉनिकल है ना, थ्रू आउट रिंग पे तुम ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा निकाल सकते हो, ई साइन थीटा वाले तो ऐसे ऐसे रेडियली आउट नहीं, वो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, वो अलग अलग पॉइंट पे कैंसिल बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, जब तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो इस ई का इसके साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें ई वेक्टर मतलब दो हैं, ये दोनों सर्वाइव करेंगे, ई वाला खत्म हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला जब इसके साथ डॉट करोगे तो खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा तुम्हारा डी फाई ई इंटू टी ए कॉस थीटा, एक तरह से एंगल भी तो है इन दोनों के बीच का, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है थीटा, इसी तरह से तो करते हैं डॉट प्रोडक्ट,
अब ई कितना होगा बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस इतना ही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और डी ए कितना है तुम्हारा, डी ए इज टू पाई आर डी आर। और कॉस थीटा कितना है तुम्हारा, अपन थीटा के टाइम में सॉल्व करेंगे बाद में ना, तो उसको मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि वैसे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ऊपर एक आ गया है, कॉस थीटा अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको इंटीग्रेट। कॉस थीटा तुम्हारा आ जाएगा एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो तुम्हारा डी फाई आ गया के क्यू टू पाई आर डी आर आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर थ्री बाय, यही आ रहा है ना देखो। और अब नेट फ्लक्स चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए तक इंटीग्रेट करो, नेट फ्लक्स आ जाएगा। देखो कोई डाउट है क्या, अब इंटीग्रेशन तो फिर मैथ्स वाला पार्ट है ना, क्लियर है क्या ये बताओ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा, के को अपन लिख देते हैं 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, क्यू इंटू टू पाई, टू आगे नीचे क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, हाँ 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 एक्स क्या, ठीक है। ये आ जाएगा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, तो मैंने मान लिया 2r ऊपर है, तो एक 2r ऊपर गया तो एक नीचे 2 लगाना पड़ जाएगा, एक 2 नीचे और आ जाएगा, है ना, ठीक है। आर स्क्वायर इस पूरे का अंदर जो है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r वो ऊपर मिल गया मेरे को, मतलब ये 3 बाई 2, तो x पावर माइनस 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तुम्हारा इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से a तक, तो तुम्हारा फ्लक्स आ गया, नेट फ्लक्स आ गया, तो फाई है ना, फाई तुम्हारा आ जाएगा क्यू एक्स बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, और ये वन बाई टू बाहर आ रहा है तो ये टू को काट देगा, टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, माइनस क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा तुम्हारा वन बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वन बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, आर है तुम्हारा वेरिएबल यहाँ पे, तो नेट फ्लक्स क्या आया देखो निकल के, नेट फ्लक्स आया तुम्हारे निकल के क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा नेट फ्लक्स निकल के आया क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर बोल सकते हो इसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम इसको क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, ऐसे भी बोल सकते हो तुम, क्यों नहीं आएगा, दो टू थे वहाँ पे, एक टू कटा है, हाँ हाफ से एक टू कट गया ना, अरे तो नीचे फोर पाई था ना, टू पाई से कटा तो फोर पाई आया, नीचे एक टू बचा ना, ये वाला टू तो इस हाफ से कट गया, तो एक टू बचेगा ना। इस वाले पार्ट में अगर डाउट है तो ये तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा जब मैथ्स में पढ़ोगे तो। बस छोड़ दो, यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक है बस, यहाँ तक आ गया ना, बस उसके बाद में समझानी नहीं है, समझानी नहीं है मुझे उसके बाद, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है यार इसमें, वन बाई रूट एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स हुआ वन बाई एक्स हुआ, इधर से एक एक्स अंदर गया तो वन बन गया, और माइनस भी अंदर गया, सोचो यार आ जाएगा तुम्हें समझ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रख दिया तुमने चार्ज को, तो इस स्फेरिकल सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होगा, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, के को रख दिया करो, जब भी पाई दिख जाए ना ऊपर तो के को वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन रख दिया करो, स्फीयर बोल भी रहा था भाई, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस,
यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, मतलब ई वेक्टर है ना, इस जगह पे ई की वैल्यू क्या होगी बताओ, इस जगह पे जो ई होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, और यहाँ पे मान लो एक छोटा सा मान लो डी ए वैक्टर, डी ए वैक्टर क्या हो जाएगा डी ए इंटू आर कैप, दोनों रेडियली आउटवर्ड है, ये समझ में आ रहा है क्या? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, तो देखो आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा वन, आई कैप डॉट आई कैप वन होता है ना, यूनिट वैक्टर सेम, तो तुम्हारा आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए, ये तुम्हारा डी फाई आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, के क्यू और आर तो कॉन्स्टेंट है, तो क्या मिल जाएगा नेट फ्लक्स के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया, इसे डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा ना, कितना है वो 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले तो फ्लक्स रेडियस के इंडिपेंडेंट आया, तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, तो नेट फ्लक्स आया तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों रेडियस के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एनर्जी की तरह सोचो इसको, एनर्जी तो है इसमें से जितनी भी एनर्जी बाहर निकली, मान लो लाइट बाहर निकल रही है, तो जितनी इसे स्फीयर में से बाहर निकलेगी थोड़ी देर बाद उतनी ज़्यादा स्फीयर में से निकलेगी और ज़्यादा स्फीयर में से निकलेगी, इंटेंसिटी कम होती जाती है, पावर तो सेम रहती है ना, सेम वे में फ्लक्स सेम निकलेगा क्योंकि इसमें से जितना पास हो रहा है वही स्प्रेड होता जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, जिस तरह से इंटेंसिटी कम होती है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है, पर पावर सेम रहती थी तो यहाँ पे फ्लक्स सेम रहता है, आ रहा है समझ में? अब इंडीड तुम क्या करो, इस चार्ज को पकड़ के इधर की जगह यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता, टोटल फ्लक्स कितना रहेगा इस सरफेस से वैसे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स तुम्हारे लेवल पे तुम्हारे लिए अभी नहीं है, है ना, वो थोड़ी उसके लिए थोड़ी और चीज़ें पता होना चाहिए, तुम्हें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह पता होने चाहिए, कर सकते हो वो भी बहुत आसान प्रूफ होता है, पर तुम्हारे लेवल पे वो अभी नहीं है, पर तुम सोच सकते हो जितना भी फ्लक्स निकल रहा है, अगर तुम लाइट के टर्म में सोचो है ना, ये मान लो लाइट सोर्स है, तो इस पार्टिकल को लाइट सोर्स को चाहे मैं यहाँ रख दूँ इस क्लोज्ड सरफेस से तो टोटल उतनी ही पावर पास करेगी ना, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से तुम समझ सकते हो, तो इस चार्ज को मैं कहीं भी रख दूँ टोटल फ्लक्स क्या होगा उतना ही पास करेगा, ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अपन नोट में 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे पहला क्या लिख सकते हैं भाई कि इस चार्ज को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो कितना फ्लक्स आएगा बताओ, तब भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं भाई, अगर सोचो इस क्यू चार्ज को मैं बाहर रख दूँ अब कितना फ्लक्स आएगा, सोचो इसको इस तरह से सोचो ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही हैं जितनी भी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस एग्जिट भी करेंगी, अब तुम ये सोच सकते हो सर एग्जिट करने वाला एरिया तो ज़्यादा है तो नेट एग्जिट ज़्यादा होना चाहिए, नहीं पर उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अरे फ्लक्स दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया, अगर एरिया ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम हो गया है, यहाँ पर एरिया कम है एंट्री वाला पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस के साथ कम होगा ना, तो इधर पे नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि भाई जितना एंटर करा उतना ही एग्जिट कर गया, तुम्हें दिख रहा है जितनी एनर्जी अंदर गई उतनी एनर्जी बाहर निकल गई, फ्लक्स क्या हो गया जीरो। अगर ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो बस यही गॉस लॉ है, ये हमने गॉस लॉ पढ़ लिया।